देखिए, मेरा अपना मानना है कि रेलवे में बुजुर्ग लोगों को रियायतें देनी चाहिए। ये पूरे विश्व में प्रथा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन जिन्हें बोलते हैं, उन लोगों को पूरे विश्व में एयरलाइंस में, पूरे अमेरिका सब जगह एयरलाइंस में उनको सस्ता टिकट और मुफ्त तक भी दिया जाता है। और यहाँ अगर हम उनको देते हैं बुजुर्ग लोगों को, तो एक अच्छी परंपरा पड़ेगी और बुजुर्ग लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। इसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें तो याद है कि जब हम लोगों की सरकार थी तो हमने पत्रकारों तक को जो सुविधा प्रदान करने की बात कही थी, अन्य जो हमारे खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, उन तक को सुविधा प्रदान करने की बात की थी। तो बुजुर्गों को सुविधा देनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ राहुल जी ने कही है। इस सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। इस सबकी सुविधाएं वापस ले रहे हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, तो ये बहुत ही गलत बात है। टाइम नहीं है ईगो का, वटबाउटरी का, ये इस वक्त समय है कि सामने आए और एपिटोम ऑफ करेज दिखाते हुए सपोर्ट करें। देखिए, उन्होंने अपील की, अच्छी बात है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर रहे तो बहुत अच्छा है। यशवंत सिन्हा वाले में देखिए, यशवंत सिन्हा को बहुत अच्छे वोट मिले, तो पूरा विपक्ष अगर एकजुट रहे इसमें तो अच्छी बात है।